मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स मामले में किंग खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। एनसीबी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। साथ ही ये भी साबित नहीं हुआ है कि आर्यन खान ने अन्य आरोपितों के साथ साजिश रची थी। वहीं चार्जशीट में अभिनेत्री अनन्या पांडे के बयान का भी जिक्र किया गया। इसमें अनन्या पांडे ने एनसीबी को बताया था कि आर्यन और उनके बीच मोबाइल चैट पर वीट प्रोक्योरमेंट की बात सिर्फ मजाक की थी। हालांकि आरोप पत्र में दावा किया गया है कि आर्यन ने अभिनेता अनन्या पांडे के साथ वीट खरीद के संबंध में अपने बातचीत की बात भी स्वीकार की थी, लेकिन अनन्या पांडे ने इस चैट को महज मजाक बताया। अनन्या पांडे ने बताया कि आर्यन झूठ बोल रहा है और वह पूरी तरह से अनजान है। एनसीबी ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में 20 में से 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिन्हें पिछले अक्टूबर में एक कूल क्रूज जहाज पर छापेमारी और ड्रग्स की कथित जब्ती के बाद मामले में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि सबूतों के अभाव में आर्यन खान सहित 6 का नाम चार्जशीट में नहीं है। इस केस से जुड़े एक्टर अरबाज मर्चेंट के बयान के मुताबिक आर्यन खान ने उनसे कहा था कि क्रूज पर ड्रग्स ना लें क्योंकि एनसीबी यहां एक्टिव है। इसके बावजूद अरबाज जूतों में छुपाकर थोड़ा सा गांजा लेकर आए थे। हालांकि मर्चेंट ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके कब्जे से बरामद 6 ग्राम चरस आर्यन द्वारा खपत के लिए थी। आर्यन ने भी अपने स्वैच्छिक बयानों में ये कभी स्वीकार नहीं किया कि बरामद ड्रग्स उनके लिए हैं। अब सवाल उठता है कि बेगुनाह होने के बावजूद आर्यन को जिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा तो क्या वो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पिछले 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा रवाना होने वाले कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी की थी, जहां आयोजित एक पार्टी में शामिल हुए आर्यन खान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। अगले दिन उन सभी को ड्रग्स कनेक्शन होने के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में आर्यन समेत ये सभी लोग अलग अलग समय पर जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए थे। इस केस का एक आरोपी फिलहाल जेल में ही है। इस केस में आर्यन खान को 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।